नमस्कार, मैं राजू सर, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। विंग कमांडर अभिनंदन की घर वापसी को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा में निकाली गई बाइक रैली और बांटे गए लड्डू, मनाई गई होली दीपावली। कल पूरा देश बड़ी बेसब्री से अपने विंग कमांडर अभिनंदन की सुरक्षित वापसी को लेकर इंतजार करता नजर आया। जब अभिनंदन सुरक्षित वापसी भारत की सीमा पार कर आए तो लोगों की खुशी का सीमा नहीं रहा। हर तरफ विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी पर लोगों ने होली दीपावली एक साथ मनाई। आज विंग कमांडर की वापसी को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर विंग कमांडर की सुरक्षित वापसी को लेकर बाइक रैली निकाली और जंतर मंतर पर होली दीपावली एक साथ मनाई, लड्डू भी बांटे गए। खुशी आपको? आज से बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता, ये तो होली और दिवाली से भी बड़ा दिन है। जब हमारा देश सुरक्षित रहेगा आतंकवादियों से तो रोज होली दिवाली मननी चाहिए। और इतना बढ़िया खुशी का दिन है कि हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे जाबाज हमारे युवा साथी अभिनंदन जैसे जो दुश्मन की धरती पर जाकर भी दुश्मन को हराने का काम किया, और इस खुशी के अंदर हम सब लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कल पाकिस्तान ने राजनीति के लिए 59 घंटे बाद उनको छोड़ा, काफी देर लोगों को वेट करना पड़ा वहाँ पर बाघा बॉर्डर पे। हाँ, लेट तो उन्होंने किया, उन लोगों की मंशाएं साबित करती है। देखो, जब हैंडओवर कर रहे थे अभिनव जी को, किसी के चेहरे पे खुशी नहीं थी। नहीं तो एक मिलना चाहिए। जिस तरीके से हमारे देश की सुरक्षा अधिकारियों ने अभिनंदन को गले लगाया, पीठ के ऊपर हाथ रखकर रिसीव किया, इस तरीके से उनके चेहरे पे मायूसी थी। उसको हार समझ में आ रही है कि अगर हम पाकिस्तान वाले अगर हिंदुस्तान पर कोई भी ऐसा कोई नुकसान करने की बात करेंगे, पाकिस्तान को हार दिखाई दे रही है। आपने भी देखा होगा उनका मनोबल इतना टूट चुका है, और ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार इतना सख्त कदम उठाया है। हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, और अभिनंदन जी का अभिनंदन करते हैं कि जिन्होंने इतनी हिम्मत जुटाने का काम किया। विपक्ष आरोप लगा रहा है इस पर राजनीति की जा रही है। नहीं, कोई राजनीति नहीं है। अब उन लोगों का विपक्ष तो विपक्षी काम करेगा ना, पक्ष तो करेगा नहीं, किसी भी काम में पक्ष नहीं करेगा वो तो। इसे राजनीतिक मोड़ दे सकते? नहीं, राजनीतिक मोड़ क्यों देंगे, देश के जाबाजों के लिए इसमें राजनीति। हाँ, ये जरूर है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, देश का हर नागरिक किसी न किसी पार्टी को वोट करता है, किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, तो उनकी अपनी इच्छा है। अब जो विपक्षी लोग हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा जो केजरीवाल वगैरह हैं, इनको तो इमरान खान के साथ अगर मुझे परमिशन मिल जाए तो मैं इमरान को पहले मारूं और दूसरे नंबर पे उसका नंबर लेना चाहता हूं केजरीवाल का, लेकिन पहले केजरीवाल मरना चाहिए। बिल्कुल नार्किस्ट लोग हैं देश के अंदर और बेकार लोग हैं, इन लोगों का तो नाश होना चाहिए। इमरान का भाई है। केजरीवाल ने तो साफ कहा था कि लाशों पे राजनीति की है, 300 सीटें जीतने के लिए सेना पे राजनीति की जा रही है। आप ये बताइए भाई साहब, कोई आदमी कोई भी राजनीति पार्टी हो जो देश में सरकार कर रही है, वो मतलब शहीद होने पर भी कोई राजनीति होगी क्या? ये बिल्कुल गलत बात है, ये झूठ बोल रहे हो। ठीक है। पेश है दिल्ली से राजीव तिवारी की खास रिपोर्ट।